आज के वीडियो में हम एक्सेल से पीडीएफ कन्वर्ट करना सीखेंगे। मेरे पास ये दो एस्टीमेट है। पहले मैं आरसीसी कंपाउंड को ओपन करता हूँ। इसमें मेरे पास जो पहली शीट है वो फ्रंट शीट है, जो कि धुले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एस्टीमेट है। फिर उसके बाद फंड हेड शीट है, रिकैप है, एब्स्ट्रैक्ट शीट है, मेजरमेंट शीट है, उसके बाद रेट एनालिसिस है, उसके बाद मटेरियल कंपोनेंट है और कॉरी चार्ट है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरा वर्कबुक के अंदर 8 शीट है। और मैं चाहता हूँ कि इसके मुझे प्रिंट निकालना है, तो इसके 3 से 4 तरीके हैं। हम एक एक करके चारों तरीके देखेंगे। मैं पहले तरीके के लिए कंट्रोल पी करता हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ प्रिंटर चाहे कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने यहाँ एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जहाँ पर एक्सेल की फाइल होती है वहीं पर ये जाता है, इसलिए अलग से दूसरी जगह अगर हम सेव करना चाहते हैं तो इसका लोकेशन हम बदल भी सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, एंटायर वर्कबुक के ऊपर क्लिक करके ओके बोलना है, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ी ही देर में आपका ये एक्सेल से पीडीएफ फाइल तैयार हो जाती है और आप इजीली क्लाइंट को वो मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक्सेल की देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए 18 पेज का ये एस्टीमेट था जो कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। ये फ्रंट पेज है, उसके बाद ये फंड हेड शीट, उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट शीट, रेट एनालिसिस, मटेरियल कंपोनेंट एंड कॉरी चार्ट। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। मैं कंट्रोल पी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ ईमेल पे क्लिक करता हूँ। जब ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर सेंड एज पीडीएफ का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। आप इसे मेल भी कर सकते हैं। और जहाँ ये पीडीएफ लिखा हुआ है उसके बाजू में देखो ये एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ और इसे डेस्कटॉप के ऊपर मुझे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ शुरू में मैं 1 लगा देता हूँ। डेस्कटॉप पर है मेरे पास, पहले मैंने जो कन्वर्ट किया था वो भी है मेरे पास पीडीएफ, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है और इसे मैं सेव कर देता हूँ। इसे अब मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं तीसरा तरीका देखता हूँ इसे पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए। कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ पे जो पीडीएफ का प्रिंटर है आपके पास उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट की जगह मैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। प्रिंट एंटायर वर्कबुक पर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे प्रिंटर क्लिक किया है और मैं अब इसे प्रिंट बोलता हूँ। इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। इसे सेव कर देता हूं।
अब चौथा तरीका हम देखेंगे, आपकी पहली शीट ओपन हो या दूसरी या कोई भी शीट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, लगे तो मैंने ये मेजरमेंट ओपन किया है, कंट्रोल पी करता हूँ। आप अगर कंट्रोल पी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके भी इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मुझे जहाँ सेव करना है, मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ इसे। और यहाँ पे जो सेव एज टाइप है, यहाँ पीडीएफ मैं करता हूँ। जैसे ही मैं पीडीएफ लूँगा, यहाँ मुझे एक ऑप्शन का बटन मिलता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ। मैं इसका नाम तीन, इसका नाम बदल देता हूँ, मैं इसको नंबर तीन डाल देता हूँ मैं, और इसे सेव कर देता हूँ। ये वहाँ पर ले नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल इसे डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैंने तीन नंबर RCC कंपाउंड दिया है और इसे मैं डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहा हूँ। इसे सेव, वहाँ पर फिर भी नहीं ले रहा है वो, तो मैं इसे पूरा कट करके इसे तीन कर देता हूँ, तीन कर देता हूँ। और यहाँ पे हम डेस्कटॉप करते हैं और उसे सेव करते हैं। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। देखिए, सब मैंने चार पीडीएफ कन्वर्ट करके बताया आपको, एक दो तीन और ये चार। मैं एक नंबर को ओपन करता हूँ, ये 18 पेज है और ये पूरा एस्टिमेट हमने पीडीएफ कन्वर्ट कर लिया है। उसी तरीके से ये दो नंबर पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये 18 पेज है और ये पीडीएफ कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं ये तीन नंबर पे क्लिक करता हूँ, ये पूरा 18 पेज का मेरे पास पीडीएफ कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से ये चार नंबर पे भी मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास पीडीएफ कन्वर्ट हो चुका है। मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूँ आपको, चार तरीके एक बार और दूसरे एस्टिमेट के ऊपर बताता हूँ। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी का है, जामखेड़ का, और इसमें फ्रंट शीट, फंड शीट, रिकैप, एब्स्ट्रैक्ट, इसी तरीके से सारी शीट है। मैं इसे कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ कोई भी प्रिंटर रहने दीजिए, उसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ। ये जहाँ पे एक्सेल फाइल होती है ये वहीं लेके जाता है। मैं इसको नंबर वन दे देता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर इसे नंबर देने के बाद मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एंटायर वर्क बुक पे क्लिक करता हूँ, ओके बोलने के बाद इसे पब्लिश कर देता हूँ। इस तरीके से मैं अब दूसरा तरीका बताता हूँ, कंट्रोल पी करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और इसे मैं दो नंबर देता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे मैं पीडीएफ कन्वर्ट करके ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एंटायर वर्क बुक बोलता हूँ, ओके बोलता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो इसने दोबारा ये नहीं लिया है, इसे हम सिर्फ दो लिखते हैं और इसे सेव करते हैं।
बाद में आप उसका रीनेम कर सकते हैं। आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, फाइल पे क्लिक कीजिए, शेयर पे क्लिक कीजिए, मेल पे क्लिक कीजिए, सेंड एस पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, चौथा तरीका देखते हैं। पहले तीसरा तरीका कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ पे पीडीएफ है वहाँ पे मैं इसे एरो पे क्लिक करता हूँ, सेव एज करता हूँ और इसे 3 नंबर देकर इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। इसे बंद करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी पीडीएफ का प्रिंटर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। प्रिंट एक्टिव शीट ना करते हुए इंटायर वर्क बुक कर लीजिए। और उसके बाद इसे प्रिंट बोलिए। इसका नाम मैं 4 दे देता हूँ और इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ। ये पेज बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा इसे। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। आप देखेंगे कि जो मेरा कंपाउंड वॉल था इसके अलावा भी मैंने फायर स्टेशन के 4 फाइल आपको कन्वर्ट करके दिखाए हैं। मैं एक एक करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। नंबर 1, तो आप देखेंगे 96 पेज है, फ्रंट पेज से लेकर बॉटम तक तमाम पेजेस इसमें पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं इसे बंद करता हूँ। उसके बाद ये 2 नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, 96 पेज है और इस तरीके से हमारे पास ये एस्टिमेट रेडी है। उसके बाद ये 3 नंबर को देखता हूँ मैं, 96 पेज है और ये पीडीएफ मेरा पूरा कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरीके से ये 4 नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ और 96 पेज और ये पूरा एस्टिमेट कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेल से पीडीएफ कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा।